पिंक सिटी पूरे भारत में और दुनिया में इसको जाना जाता है। पिछले 5 साल से लगातार यहाँ समय समय पर मैं आता रहा हूं। कई ऐसे मामले हैं जिन मामलों में न्याय के लिए हम लोग इस सरकार के खिलाफ मजबूती से सड़कों पर संघर्ष किए। कई ऐसे मामले हैं कि हमने सरकार को झुकाने का और पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम किया। पिछली बार जब मैं आया था तो मैं सीएचए के साथियों से मिला था। मैंने उस दिन भी उनका दर्द सुना और मैंने उनसे वादा किया था कि 2 तारीख में हम लोग यहां आंदोलन करेंगे। मैं आज भी अपनी बात पे झुका तो खड़ा हूं। कल हम लोग यहाँ एक ऐतिहासिक आंदोलन करेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। मुझे खेद इस बात का है, मुझसे पहले मीना जी ने बात रखी कि सत्ता का एक चरित्र होता है। मैं दिल्ली में ज्यादा समय रहता हूं तो मैं देखता हूं कि वहां जिनकी सरकार यहां पे है वो वहां लोकतंत्र कानून संविधान की दुहाई देते रहते हैं, लेकिन यहां जब आंदोलन उनके द्वारा जो अन्याय किया जाता है उसके खिलाफ होता है, उसको कुचलने के लिए वो सारी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। आज जो हालात राजस्थान में बने हुए हैं इसके लिए भी सरकार दोषी। अगर सरकार ने कानून का राज स्थापित किया हुआ तो उदयपुर जैसी घटना ना होती। मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूं कि आप राजस्थान वासियों से, मेरा निवेदन है और राजस्थान के मंच से देशवासियों से, कि उस विषय पे भी आप लोग शांति स्थापित करवाने में मदद करवाएं, शांति स्थापित करें। बड़े पैमाने पे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों से मेरा निवेदन है कि उस घटना से जुड़ी चीजों को शेयर ना करें और शांति बना के रखें। चंद लोग अगर माहौल खराब करने काम करेंगे तो इस देश का भाईचारा टूटेगा नहीं। लेकिन हर एक समस्या के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, तो ये समस्या जहां से पैदा हुई अगर सरकार ने पहले से, जो केंद्र की सरकार है, अपने प्रवक्ताओं पर टीवी चैनल के माध्यम से प्रतिबंध लगाया होता तो शायद देश का माहौल आज ये ना हो। 3 दिन से राजस्थान का इंटरनेट बंद, उसकी आड़ में राजस्थान की सरकार जो है वो तानाशाही कर रही, इसका प्रमाण हमने कल रात यहां देखा। ये तानाशाही पहले भी उखाड़ कर फेंक दी है देश के नौजवानों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, और दोबारा से भी तानाशाही को मुंह तोड़ जवाब जो है वो राजस्थान की जनता देगी। मैंने अपने विषय से पहले सीएचए की बात इसलिए रखी क्योंकि मैं अन्याय नहीं सह सकता हूं। मैंने कल जो अन्याय यहां सुना, स्पेशली जो बहनों के साथ हुआ, मुझे बड़ा खेद है। मैं ये अपील करता हूं अपने जिम्मेदार पदाधिकारी साथियों से कि जो बहनें जिन स्थानों पे हैं वहां भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का संगठन है, आप उनकी जानकारी लेके उनको मदद कराने का प्रयास करें जिससे कि वो सुरक्षित अपने घर परिवार या जहां वो जाना चाहती वहां पहुंच सके। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि जब हम उनका साथ देने की बात करते हैं तो साथ हमें हर पहलू पे देना। उसके बाद आज हमारा, क्योंकि आपका आंदोलन तो 2 तारीख में था लेकिन आज 1 तारीख को हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट राजस्थान की राजनीति को लेके एक विषय है जिसपे हम लोग इकट्ठा हुए हैं। आज का जो मंच है उस पर उपस्थित मुरली लाल जी जो यूपी से चल के यहां आए हैं आगरा से, हमारे मिशन 78 के संयोजक समिति के सदस्य जलेश्वर दास बकोडिया जी, राजस्थान आजाद समाज पार्टी के प्रभारी भाई सत्यपाल चौधरी जी, राजस्थान मिशन 78 संयोजक समिति के सदस्य मोहनलाल बैरवा जी, भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राजस्थान के संयोजक छोटे भाई योगेश सुमित जी, और लंबे समय तक भीम आर्मी
आजाद समाज पार्टी में सेवा देने का कार्य करते रहे और आज भी समर्पण की भावना से काम करने वाले मेरे छोटे भाई अनिल धेनवाल जी, सामने उपस्थित मुकेश चोपड़ा जी, जितेंद्र अठवाल जी, रईस मलिक जी, मुकेश बैरवा जी, अहेरिया जी, आप सभी साथियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं। कई ऐसे मामले हैं जिसमें मैंने देखा कि सरकार पीड़ितों को न्याय देने की बजाय पीड़ितों को ही सताने, डराने और उनकी आवाज को दबाने के लिए पुलिस बल का प्रयोग करती रही। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई किसी का गुलाम नहीं। अब हम आजाद हैं, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को अपने अधिकारों को ग्रहण करने का, लेने का, सम्मान से जीने का अधिकार है। राजनीतिक व्यवस्था में समय समय पे शोषितों, वंचितों ने अपनी लड़ाई को मजबूत किया है, लेकिन जैसा मैंने देखा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी केंद्र के जरिए पिछले 8 सालों से इस देश के नौजवानों का, किसानों का, मजदूरों का, महिलाओं का, गरीबों का शोषण कर रही है और पूंजीपतियों को लाभ दे रही है, वहीं राजस्थान में पिछले 5 साल की जो सरकार चल रही है, 4 साल की, उसमें मैंने देखा कि पीड़ितों को न्याय के लिए आंदोलन करना पड़ता है। इसका मतलब इस सरकार को भी शोषितों, वंचितों से कोई खासा मतलब नहीं। मेरे आज भी याद है CHA के एक साथी जिनकी नरसंहार हत्या जो है वो की गई पाली में, और उनकी हत्या के बाद जब आंदोलन हुआ, पहली बार के आंदोलन के बाद सरकार ने हमसे कुछ वादे किए एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए। उन्होंने कहा कि हम आपकी मांगों को मानेंगे। ये पहली घटना नहीं थी, लेकिन मैं इस घटना का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें न्याय अभी अधूरा। उसके बाद दोबारा जब हम लोग आंदोलन के लिए उदयपुर पहुंचे तो एयरपोर्ट पे हम लोगों को अरेस्ट किया गया और हमारे कार्यकर्ता को जबरन जो है पुलिस ने थानों में, जेलों में ठूस दिया। तब फिर हमसे एक और बार वादा हुआ कि भाई हम इस लड़ाई को, हम आपकी मांगों को मानेंगे, लेकिन दो दो बार के आंदोलन के बाद सरकार ने वादा खिलाफी की। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार जो है सामंतों के आगे मजबूर, और वो किसी भी कीमत पे शोषितों को, चाहे वो CHA के साथी हो या राजस्थान में रहने वाले दलित, पिछड़े, आदिवासी, कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हों, माइनॉरिटी के लोग हों, उनको न्याय नहीं देगी। इसलिए हमने यहां न्याय यात्रा निकालने का फैसला लिया। कुछ कारणों कारण उसमें विलंब हुआ, लेकिन मैं देखना चाहता था कि सरकार क्या देरी कर रही है, देना ही नहीं चाहती। उससे स्पष्ट हुआ आज तक का चरित्र देख के कि सरकार हमारे विषय पर बात ही नहीं करना चाहती। इसलिए ऐसी सरकार जो हमें मरने के बाद भी न्याय ना दे और जो सामंत जो आगे मजबूर हो, ऐसी सरकार से हमारा कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। हमारे लोगों को उनसे ज्यादा कुछ उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। ऐसी सरकार को भी राजनीतिक रूप से सबक सिखाने के लिए, और क्योंकि विधानसभा के पटल पे हमारे मुद्दों को कोई बड़े पैमाने पे मजबूती से नहीं रखता, कि सरकार को जो एहसास हो कि इन वर्गों को न्याय भी देना है, तो अब आजाद समाज पार्टी मजबूती से जो है अपना संगठन यहां खड़ा करेगी। भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी संयुक्त रूप से मिलके राजस्थान की शासन सत्ता में अपनी जिम्मेदारी और अपनी हिस्सेदारी को लेने के लिए मेहनत करेगी। 1 साल से ज्यादा का समय, इस 1 साल के जरिए हम लोग शोषित वंचित समाज के लोगों में भाईचारा स्थापित करके उनको राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत कर एक मजबूत विकल्प जो है वो राजस्थान में देंगे। और बीजेपी कांग्रेस की आपसी भाईचारे की सरकार से जो है यहाँ के शोषित वंचित सरकार को, हम लोग शोषित वंचित लोगों को मदद मुक्त कराएंगे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने तय किया, राजस्थान आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी हम लोग जो है
आज घोषित करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि राम लखन मीणा जी के नेतृत्व में, क्योंकि वो एक प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति है, राजस्थान की समस्याओं को समझते हैं, शोषित वर्ग से आते हैं, वो शोषित वर्ग के सभी भाईचारों को मजबूत करेंगे और अपने संगठन के जरिए, जो संगठन इनकी घोषणा के बाद यहाँ प्रभारी जी द्वारा और अन्य साथियों के सहयोग से बनेगा, उसके जरिए गांव-गांव जाके शोषित वंचित वर्ग को राजनीतिक रूप से वोट की वैल्यू समझाने का काम करेंगे और ठेकेदारों से दूर रखने का काम करेंगे, क्योंकि इस ठेकेदारी प्रथा ने, जो ठेकेदारी प्रथा यहाँ चल रही है गुलामों के द्वारा, उनके उनसे शोषित वर्ग का कोई भला नहीं हुआ। मेरे आज भी याद है चूरू की घटना, थाना गाजी की घटना, इतने बड़े बड़े पैमाने पे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हुआ, उनको जेल भेजा गया, उनपे मुकदमे लगाए गए। उससे भी बड़ा एक मामला हमारे साथी धर्मेंद्र जी यहां है, हम लोग चर्चा करते हैं कि 2 अप्रैल के आंदोलन में जिन निर्दोष साथियों पे मुकदमे लगे थे, इस सरकार ने वादा किया कि मुकदमे भी वापस लिए जाएंगे, लेकिन मेरे आज भी याद है कि इस बेस पे इन्होंने पंचायत में वोट लिया, लोकसभा में वोट लिया और फिर दोबारा से विधानसभा चुनाव के करीब तैयारी ये लोग कर रहे हैं, लेकिन आज तक इन्होंने मुकदमे वापस नहीं लिए। ऐसी सरकार को ज्यादा दिन जो है सत्ता में रखने का कोई अधिकार जो है नहीं देना चाहिए। शोषित वंचित वर्ग के लोगों को अपनी एकता बना के, और स्पेशली कमजोर तबके के वो नौजवान जो इच्छा शक्ति रखते हैं और कुछ करके दिखाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि भारत में और राजस्थान में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उनमें उनको आगे बढ़ने का अधिकार मिले, ये पूंजीपतियों की पार्टी उनको अधिकार नहीं देगी। अगर ये अधिकार देती तो CHA के जो है बच्चे जो है, जो हमारे भाई बहन है, कल उनके साथ ये अन्याय ना होता और 3 महीनों से वो अपने अधिकारों के लिए इनके आगे गिड़गिड़ाना रहे होते और उनके दर्द, उनके आंसू को भी देखकर ये सरकार नहीं पिंगली, तो इसका मतलब समझिए कि ये सिर्फ और सिर्फ शोषण करने वाली सरकार है। इस सरकार को अब जो सबक सिखाने के साथ अपनी राजनीतिक ताकत को भी मजबूत करके राजस्थान में हम लोग जो है आजाद समाज पार्टी के जरिए बहुजन समाज के लोगों को ताकतवर बनाने का और उनकी हिस्सेदारी के साथ उनको सदन में भेजने के लिए मैं भी यहाँ हर जिले जिले जाके कैडर कैंप और उसके अलावा संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने का, भाईचारा बनाने का और जो भी शोषित पीड़ित वर्ग है उनकी लड़ाई को, उनके आंदोलन में हिस्सेदारी करने का काम करूंगा। मेरा ऐसा विश्वास है कि हमारे पुराने साथी और हमारे नए साथी मिलकर एक मजबूत संगठन जो है वो यहां बनाएंगे, जिसके जरिए एक शोषितों का नया उदय, वो पूंजीपतियों की इन पार्टी में झंडे उठाने वाले नहीं बल्कि शोषितों की आवाज बन के लोकतांत्रिक रूप से राजनीतिक शक्ति प्राप्त करके शोषित वंचित वर्ग के जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो बुनियादी जरूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए आंदोलनरत रहेंगे, संघर्ष करेंगे। ऐसी मंगल कामना के साथ मैं राम लखन मीणा जी को कहूंगा कि वो जो है इस जिम्मेदारी को स्वीकार करें और इस जिम्मेदारी के बाद जो है हम लोग चर्चा करेंगे। राम लखन मीणा जी की अपनी जिम्मेदारी के बाद, जो दी गई जिम्मेदारी उसके वार्ता करने के बाद, अपनी बात रखने के बाद कि हमें कल के आंदोलन को किस तरह से जो है मजबूत करना है और CHA के भाइयों बहनों को न्याय दिलाना है, उनके संघर्ष को कमजोर नहीं पड़ने देना है। उसके साथ साथ अग्निवीरों का, जो अग्निवीर के नाम पे युवाओं के साथ जो छल किया गया है, बड़े पैमाने पर राजस्थान के साथी जो है वो सेना में भर्ती होते हैं, मेरा बड़ा अनुभव है कि राजस्थान के जो साथी हैं, नौजवान साथी, वो देश के प्रति बड़े समर्पित हैं। अग्निवीर के नाम पे जिस तरह से युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रही है, हम लोग प्रयास करेंगे और आंदोलनों के साथ अग्निवीरों के आंदोलन को भी, हम लोग जो युवा साथी हैं उनके आंदोलन को मजबूत करेंगे और केंद्र की सरकार को भी जो है राजस्थान और पूरे देश के जरिए सबक सिखाने का काम करेंगे कि वो अग्निवीर के नाम पे इस देश की आर्मी को जो है
संघ की विचारधारा से पोषित लोगों को उसमें भरने का काम कर रही है और इस देश की सेना के साथ भी खिलवाड़ कर रही है, देश के जो है सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रही है और इस देश के नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। ऐसे आंदोलन को भी हम लोग यहां आगे आने वाले समय में मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग यहां पहुंचे, आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। जिम्मेदारी के साथ प्रोफेसर राम लखन मीना जी के लिए भी मंगल कामनाएं कि वो इस जिम्मेदारी को और मजबूत करेंगे और